हम लोग प्लेयर के ऊपर से इतना ज्यादा लोड कैसे आ जा सकता है, हम लोग प्लेयर के बारे में बात ही नहीं कर रहे। प्रोसेस ये वर्ड धोनी ने निकाला, जैसा विराट कोहली ने इंटेंट वर्ड निकाला था, तो हाँ प्रोसेस वर्ड धोनी निकाला। बराबर इसने विराट कोहली को लपेटे बराबर। में भी लिया साथ में। सही है सही है सही है। तो अपन चार लोग हैं कि नहीं, आईपीएल फॉर है। अगर तो आईपीएल अगेंस्ट है तो क्लियर कट बोल दे क्यों अगेंस्ट है। मेरे हिसाब से आईपीएल हैज बीन गुड फॉर इंडियन क्रिकेटर्स एंड इंडियन बोर्ड, बट नॉट फॉर इंडियन क्रिकेट एज सच। ये यू रिमेम्बर दीपक चहर इंटरव्यू ड्यूरिंग आईपीएल, उसने बहुत सही चीज बोला भाई कि प्लेयर आजकल आईपीएल खेलते हैं वो लोग सिक्योर्ड प्लेयर थे, दे हैव मेड मनी, नो नो वन इज डाउट नो वरिंग कि डाउट, मैं वो कल तो खेलूंगा नहीं दैट तो मेरा शुडन्ट बी दिन द कैसा कंसर्न, चलेगा। दैट शुडन्ट बी द दैट इज प्लेयर्स ऑल्सो फर्स्ट अगेन, कंसर्न कि अगर तू ऐसा सोच के खेल रहा है कुछ भी तो देन यू आर अ फक ऑल प्लेयर टू स्टार्ट विद। इफ यू नॉट एकदम नेसेसरीली, टू नॉट बी, आई नेसेसरीली, डोंट नॉट बिलीव नेसेसरी, दैट यू यार, आई डोंट डोंट नो बिलीव दैट वेयर नेसेसरी। व्हाट सिचुएशंस पीपल कम फ्रॉम। सिचुएशन से ओके, आए हैं एवरीवन यार लोग, या कम फ्रॉम अ पीपल बैड कम फ्रॉम सिचुएशन। वेरी। अरे वैसे तो देन दीज गाइस आर राइट, देन दिस लीग, इफ द एंटायर पर्पस ऑफ दिस लीग इज मनी, देन दीज गाइस आर राइट, देन इट्स अ बुलशिट लीग। यस यस, एंड स्पोर्ट्स इज एक्चुअली अबाउट मनी मैं इवेंचुअली, एक्चुअली उसपे मैं इजंट जाता एवरीथिंग अबाउट हूँ। मनी। पैसा आ गया तो डोंट फॉरगेट व्हाट गॉट यू देयर, मतलब दैट्स द होल पॉइंट ऑफ इट। मतलब The secure word ना which he used, then how does that make sense? What एग्जैक्टली। like now you're protected? तो तू fuck all खेल पूरा साल, तू पृथ्वी शॉ जैसे तू खेल, तू तेरे को खुल के पता है खेल, तू खुल के खेल, एग्जैक्टली दैट इज द परफेक्ट तेरे को एग्जांपल जो बोल दूसरा रहा है, मतलब टेंशन पता है नहीं है। तेरे पृथ्वी को शॉ का बस यू हैव एग्जांपल टू जो है, प्ले मेरा व्हाट क्या यू वांट टू मतलब है डू। तेरा? डोंट वरी अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस, डोंट वरी What अबाउट द consequences? कॉन्सिक्वेंसेस। यू But माइट what नॉट are you प्ले द thinking? नेक्स्ट गेम, यू माइट Yeah. नॉट प्ले द नेक्स्ट गेम, Yeah. यू So माइट you नॉट have हैव अ no room जॉब, for that. So यू now माइट he's नॉट हैव crazy. फूड You're ऑन योर not टेबल, worried यू माइट नॉट about हैव your फूड ऑन place. माई You're टेबल। not नाउ यू आर worried नॉट about अबाउट your योर केस place, ना, na? Now you're not scared. Now you're not scared about being like left out हाँ of the Indian team because now you are हाँ IPL. आई एम नॉट, You're not हाँ putting on extra weights. Huh? You're not. तो Like, दैट्स I wonder. ये Do you राइट see तू बोल। a pinch on Prithvi Shaw's head whenever he's flopping? He doesn't give a fuck. If 15 years back, if this would have happened as a talent like Prithvi Shaw, you would have like fucked him. देख उस समय भी विनोद मैं बोल रहा कावली हूँ ने अपना वापस करियर एग्जैक्टली, खराब किया ही ना, मतलब देख ऐसा करियर देर खराब आर होने पीपल, वाला ही खराब विनोद होने वाला कावली। हो ही जाएगा। हम लोग आज बोर्ड, हम लोग जितना बड़ा बोर्ड है ना, द अथॉरिटी, द कंट्रोल, द मनी वी हैव, मेरे को बोर्ड से दिक्कत है कि अपना बोर्ड डजंट डू इनफ आई फील। अपना एक एनसी है भाई, और वो एनसी के अंदर क्या चलता है किसी को भी पता नहीं। ये तो है, क्या ये तो है, व्हाट इज इट आर इज अ एनसी वेरी है, मतलब एक क्लोज सेंटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्रिकेट अपने पास आज तक नहीं है। हाँ, एक सेंटर ऑफ क्रिकेट की, आओ सब प्लेयर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड कंट्री आओ ट्रेन कर, व्हाट एवर। एनसीए में क्या होता है किसी को पता नहीं। अपना एनसीए आज का मॉडर्न स्पोर्ट्स में कितना आगे है वो पता नहीं है अपने को, कि आर वी देयर विद विद द अमेरिकन स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजेस, विद द टॉप फुटबॉल क्लब। मनी वाइज वी शुड बी देयर, मतलब अपने को पैसे का इज नॉट, मनी इश्यू इज नॉट एन इश्यू एट ऑल येट। ये एक प्रॉब्लम। और अपना बोर्ड का एक्चुअली आई हैड दिस कन्वर्सेशन विद यू शशांक लॉन्ग टाइम अगो, कि आजकल फुटबॉल क्लब्स में एक डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल क्यों होता है। अपना इंडियन क्रिकेट, वी गो फ्रॉम अ रवि शास्त्री हूज लाइक आ प्ले बॉल बैम, टू अ राहुल द्राविड, द नाइस गाय, द ऑर्थोडॉक्स गाय, द गाय हु विल से सेशन का लास्ट बॉल, लास्ट ओवर तुमको डिफेंड करके ही हटना है। व्हाट एवर इज द सिचुएशन, यू प्ले डेड बैक टू सिक्स बॉल्स एंड कम आउट। मतलब वेयर आर वी गोइंग, तू समझ रहा है? ठीक है, कैप्टन्स यू कांट चूज बिकॉज वो टीम का डायनामिक्स क्वालिटीज, योर कैप्टन माइट, आई कैन अंडरस्टैंड अ विराट कोहली एंड अ रोहित शर्मा डिफरेंट पर्सनालिटी, दैट कैप्टनसी शिप, बट एज अ बोर्ड यार हम लोग लॉन्ग टर्म कुछ है नहीं, तू समझ रहा है? इट्स नॉट, तू जैसा बोलता है वी डू वेल, ठीक है, वी आर नॉट लाइक हम लोग हर बार, वी ऑलवेज आर इन द टॉप थ्री टॉप फोर टीम्स ऑफ एनी टीम वी टूर्नामेंट वी गो, एंड वेरी रेयरली वील कम आउट ऑन Only टॉप। four teams. यार आई नो, बट But एग्री, Yash, again, that is you saying board का issue है. I am again coming to the point कि IPL से में what is the relationship What with is IPL on? IPL's No, I connection am with all of for this? IPL. I don't believe IPL at all. IPL is a boon to Indian cricket is what I strongly feel. It is The an era, yeah. ecosystem, the infrastructure, अरे भाई the वो तो funnel. जो बोर्ड करता है, बोर्ड की जो हरकतें हैं जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, उसके बारे में तो वी कैन टॉक अबाउट सो मच सो I मच। think मतलब isn't कि that जैसे I तू think this बता रहा है, IPL thing is तू जैसे हाँ एनसीए बता रहा है, मतलब हम लोग तो कब से, जब से क्रिकेट दे रहे हैं, एनी इनोवेशन, इट्स नॉट अबाउट इंडियन क्रिकेट राइट नाउ, वी शुड बी डूइंग दैट, बट एनी इनोवेशन, आई डोंट नो कि प्रोसेसेस नहीं है अभी तक इंडियन क्रिकेट में ऐसे, या ट्रांसपेरेंसी एथलेट्स नहीं है की एक,
एनकरेजमेंट नहीं किया जाता है, मतलब कि नए इनोवेशंस के लिए मतलब, बट जो भी नए इनोवेशन, जो भी नए ट्रेनिंग मेथड्स आते हैं क्रिकेट में, सब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से आते हैं. वॉट एवर न्यू ट्रेंड इन सॉर्ट ऑफ यू नो इन गेम टैक्टिक्स ऑल्सो कम्स, दैट्स ऑल्सो कमिंग फ्रॉम दोज टीम्स, मतलब बैस बॉल काइंड ऑफ क्रिकेट. IPL को हो गए 16 साल, एक डेवलपमेंट लीग नहीं बना पाए इन लोग, मतलब एक IPL से छोटी एक डेवलपमेंटल लीग, मतलब एक बेबी लीग टाइप की एक बनानी चाहिए, नहीं जैसे NBA में एक जी लीग है जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब या व्हाटएवर हो. मैं बोल रहा हूँ कि आपको उससे फोकस दिखाई देता है भाई, क्योंकि अगर प्राइवेट एंटिटीज डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स में पैसा डालती है ना, तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स आते हैं, हमारे जैसे लोग जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में काम करते हैं और नए इनोवेशन लाने की कोशिश करते हैं, नहीं तो थके हालत वही, मतलब पुराना बोर्ड, वही सिस्टम, वही चलता रहता है, वही ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स, वही ओल्ड स्कीम, मतलब तेरा एसमैट में भी वही चल रहा है, एज फ्रॉड चल रहा है, दुनिया चल रही है. तो मतलब अगर ऐसी डेवलपमेंट लीग अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कराएंगे, मतलब फॉर एग्जांपल जिसमें भाग लेंगी फ्रेंचाइजीज, तो उस तरह का फिर ये मैं 100% बिलीव करता हूँ कि BCCI सब कुछ नहीं कर सकता, पर BCCI को भी थोड़ा सा कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा. स्टार्ट विद शशांक एंड यश का पॉइंट कि BCCI इंफ्रास्ट्रक्चर विजिबिलिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, ये हो, हम लोग बायलैटरल सीरीज में तो तोड़ देते हैं, कोई भी टीम आने दे, किधर भी जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जीत के आ रहे हैं घड़ी घड़ी, इंग्लैंड में ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है. अगर तुम लोग, और जैसे शशांक ने बोला हम लोग इतने फाइनल्स भी पहुंचे हैं, तो अगर सिस्टम में भले ही 19-20 का फर्क है, जो भी है, वी आर नॉट एट टॉप notch level, but India losing so many ICC trophies has to do with the players. They fuck up in the end. हम लोग वो चीज को ignore कर ही नहीं सकते. अगर वो players को 100% चीजें नहीं मिल रही, training नहीं मिल रही, तो are they dominating in every bilateral series? When was the last time India fucked up in a bilateral series? Or they got dominated so badly? And how come we are losing Asia Cup? When Australia came to India, ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश हैज कम टू इंडिया, मतलब हम लोग तो हंस रहे थे कि ये क्या है. फिर वो जस्ट स्मिथ ने अपने कैप्टनसी से एक जीता के एक ड्रॉ कर दिया, ठीक है. देन हाउ कम वी आर जस्ट पुटिंग द ब्लेम ऑन BCCI? इट्स नॉट लाइक वी आर वेस्ट इंडीज का बोर्ड जो जर्सी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जो ये प्रोवाइड नहीं कर रहा है, टॉप नॉच फैसिलिटीज इन एवरीथिंग. लूजिंग सो मेनी फाइनल्स इज द फॉल्ट ऑफ द प्लेयर्स. यश, मतलब टू कॉन्ट्राडिक्ट योर पॉइंट, स्पेशली योर्स. मिलता हूँ तेरे को नहीं, बट मैं क्या बोल रहा था, अभिषेक दो चीजें, एक फाइनल आते हैं क्योंकि दैट्स द फैक्ट कि हमारे पास इतना टैलेंट है. मैं जैसा देख, आल्सो वी हैव इनफ टैलेंट इन आवर सिस्टम, चार देश खेलते हैं एसेंशियली. हां हां हां, क्योंकि बाकी 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 टीम नहीं है, बाकी टीम नहीं है, पैसा नहीं है, हम उनको पैसा नहीं, मतलब बाकियों के लिए हमारा, अगर हम सही टैलेंट भी नहीं चूज करें ना, हमारी बी टीम भी हराएगी, मतलब बाकियों को, मतलब वैसा है. हमारी बी टीम सब लोग को आ रही है, और हमारी बी टीम जाके कभी एक टाइम आएगा, हमारी बी टीम श्रीलंका को भी आ रही है, पर हम एशिया का बाहर जाएंगे. अभिषेक प्रॉब्लम ये है, हमारी बी टीम शायद हमारी ए टीम को भी आ रहेगी. यस, दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट. दूसरा चीज मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ प्लेयर्स को कैसे बोल सकता है जब 10 साल अपन ने कुछ नहीं जीता है, 10 साल में मैं भी 40 डिफरेंट प्लेयर्स खेले रहेंगे, 30-35 प्लेयर तो अलग लोग रहेंगे जो हर वर्ल्ड कप खेला है. तो ऐसा नहीं कि अपने देश में कोई भी उठता है तो हगने वाला ही है, एनी प्लेयर जो भी अपने देश से आता है. इफ इट वॉज ओनली वन बैच, अभिषेक इफ यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट फ्रॉम 2021 T20 वर्ल्ड कप और 2019 टू नाउ, then you can completely say it's the players because more or less it's the same group that's been playing, more or less the core is the same. Two, three but players. ये थोड़ा और पीछे, हाँ हाँ, ये थोड़ा और पीछे का हो गया. Okay. And मैं BCCI में बोलता हूँ clarity of things यार, जैसा day one के बाद पारस मामरे press conference में बोला, हम लोग Travis Head को, हम लोग को पता था सर पे short ball डालता है वो हकता है, but the captain wasn't very convinced to do it from the beginning. So sometimes you have to go with the captain's instinct. और तेरे तीन विकेट गिर जाते हैं पावर प्ले के में, व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, देन इट्स ऑल ओवर बांग्लादेश. दैट्स अ रिस्क यू हैव टू टेक इन 50 ओवर, यू कांट टेक अ रिस्क ऑफ थ्री विकेट्स भाई, इनिंग बिल्डिंग नहीं कर सकते
नहीं नहीं सर तुम क्या बात करते हो यार, तुम अभी भी बोलते हो पावर प्ले में तू देख के खेलेगा कंसोलिडेट, वो जो पहला पावर प्ले में 15 ओवर का पावर प्ले में 60-70 मारते थे वो गेम एक्सपेक्ट कर रहे हो, तेरा पावर प्ले स्कोर क्या है, तेरा पावर प्ले स्कोर क्या है, तेरा पावर प्ले स्कोर क्या है, गुड स्टार्ट क्या है, गुड स्टार्ट दस ओवर पावर प्ले का स्कोर क्या है तेरा, 60 तेरा 64 अरे तो वही बात हो गया ना यार, 64-0 भी गारंटी नहीं है, तू कितना भी संभाल के खेल, तू 64-3 भी हो सकता है, तो एक बॉल लगती है ना, एक बॉल से आउट हो सकता है, एक बॉल वैसे तो कुछ भी नहीं यार मेरे लिए, साइन शास्त्री थे तो दो बॉल में तीन विकेट लेगा, 75 for 1 यू नीड, यू प्ले अटैकिंग क्रिकेट, 7.5 का रन रेट बोल रहे तू, बहुत अटैकिंग, 75 for 1 इज लेस, 75 for 1 वही रेंज में हूं मैं, 80 तो आइदर योर वन ओपनर इज प्लेइंग और योर नंबर 3 और नंबर 4 आर प्लेइंग राइट, सो यू नो दे आर गुड इनफ टू टेक द टू बैक 20 ओवर 20 ओवर तो खेलना ही चाहिए 20-30 ओवर, मिडिल ओवर्स के प्लेयर तेरे आपके सेटल हो गए वो भी है ना, मतलब अगर तेरा 75 में 2 है ठीक है 10 ओवर में, और अभी तू बोल रहा है कि तेरा जो दो प्लेयर बाकी है वो आने वाले 20 ओवर तो खेलना ही चाहिए मतलब मेरे को कॉन्फिडेंट है विराट कोहली और सूर्या कुमार यादव एंड विराट कोहली, आई वुड टेक दैट चांस, ये लोग 25 ओवर खेल सकते हैं, सूर्या 4 नहीं खेलेगा, श्रेयस अय्यर फिट नहीं है, श्रेयस अय्यर फिट ही नहीं है अभी तक, और यू 60 विदाउट लॉस इज अ गुड स्टार्ट, मतलब तू बहुत पीछे ओडीआई क्रिकेट, ओके 2019 का पहले क्रिकेट है, ओके इंग्लैंड ने 2019 में ये किया है, 2019 4 इयर्स अगो उन्होंने ये किया है, आई एग्री विद यू, आई एम नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग योर पॉइंट, व्हाई आई एम सेइंग 60-65 विल बी अ ओके पावर प्ले फॉर मी विदाउट द लॉस ऑफ एनी विकेट, बिकॉज़ आई हैव सीन दिस इंडियन टीम, I'm not talking about England or Australia. I'm talking about this Indian team going down in a bunch. I've seen KL Rahul coming on the 16th over against Bangladesh. ठीक है, 6 महीने पहले की बात. ठीक है, ये लोग out होते हैं, ये लोग साथ में out होते हैं, 16वें अगर जीतने के लिए जा रहे हैं तो भाई ये एक चीज बता मेरे को ये बता और secondly वो कोई फर्क नहीं पड़ता है out होते जीतने के लिए, वो तो बेकार प्लेयर तो आउट हो गए अभी, तो वो बाकी छोड़ो ना आगे की बात करेंगे, अभी नए प्लेयर आएंगे उसकी बात, विराट कोहली बेकार प्लेयर है अगर वो आउट, विराट कोहली नहीं है ये केएल राहुल तो बेकार प्लेयर ही है भाई, अरे केएल राहुल खेलने तो आया मैं बोल रहा हूँ, उसने तो एक गेम बचाया हम लोग को, अगर तुम लोग को याद रहेगा तो 70 ऐसा अगर आप स्लो स्टार्ट अफोर्ड कर भी सकते हो, मतलब 64 नो लॉस वाली, और आपके पास धमाके बचाने वाले लोअर और मिडिल ऑर्डर है और मिडिल ऑर्डर है, हमारे पास लोअर मिडिल ऑर्डर ऐसी नलायक मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर है ना, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हु डू वी हैव, कौन है लोअर मिडिल ऑर्डर ODIs में वी डोंट हैव एनी, कौन ही है अब शायद से, अब हमारे लिए ये कि सूर्या को उधर खिलाना पड़ेगा शायद से नंबर 7 से, कि तू आ और आखिरी में जो तू करता है T20 में वही आके कर, इमेजिन यू आर कमिंग इन द 10th ओवर, हार्दिक को भी ऋषभ पंत था टू स्टार्ट विद, मतलब ऋषभ पंत नहीं तेज खेलता है यार, मतलब वैसा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शुड रोहित रिटायर फ्रॉम ऑल फॉर्मेट, डू यू गाइस थिंक इट्स टाइम फॉर रोहित, मतलब आफ्टर ओडीआई वर्ल्ड कप चार महीने के लिए नहीं, वही 23 मतलब अभी जो अक्टूबर में हो रहा है वो वर्ल्ड कप के बाद वो निकलेगा तो इंडियन टीम को बहुत बड़ा लॉस, बट डू यू थिंक ही इज द ही शुड बी द ओपनर फॉर 23 वर्ल्ड कप इन टर्म्स ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल, दो बेस्ट ओपनर चाहिए अगर तू उसमें रोहित शर्मा को लेगा या नहीं, सिंपल क्वेश्चन, कैप्टन ऑल्सो फॉर एवरीथिंग ही ब्रिंग्स इन, दैट्स द पॉइंट, रोहित वॉक्स इन एज अ बैटर, पूछ रहा हूँ मैं कैप्टन बाद में बात कर, बैटर नहीं आएगा ना, कैप्टन की बात नहीं, मैं केवल एज टू ओपनर्स में से एक आई डोंट नो, ओके फॉर यस यू डू
बट अभी अपना सिस्टम किधर है हम लोग, अभी हमारे पास वही है माय बाप भाई। मैं यशस्वी को खिलाऊंगा ना, क्यों नहीं खिलाऊंगा भाई? पूरी दुनिया में यंगस्टर्स आर डोमिनेटिंग द गेम ब्रो, एवरी स्पोर्ट यू सी यंगस्टर्स आर डोमिनेटिंग एवरी स्पोर्ट। ओपनर्स का दो बहुत हाइपोथेटिकल हो गया, आईपीएल तो हाइपोथेटिकल नहीं ना, इट वॉज प्लेड ऑन द ग्राउंड ना, यू सी द नंबर ऑफ हु स्कोर्ड हाउ मेनी रन्स। मैं वो बोल रहा हूं विकास, अभी यशस्वी इज नॉट रिप्लेसिंग रोहित, दे वर प्लेइंग ऑन द सेम, यशस्वी इज नॉट रिप्लेसिंग रोहित, in an event like the World Cup, captaincy batting mein to no captaincy experience form in 2023 bade khela 2023 he has been in a good form in 2023 in the ODI. So what is your expectation out of Rohit Sharma in the World Cup to give India how many runs are you expecting out of Rohit Sharma in the World Cup? 400 runs at least. Ha 400 kya? Theek hai 400 cha raha hai to fir wo dekh lenge 400 400 पर 400 मार रहे तो उसको 130-140 में मारने पड़ेंगे। ओडीआई है, ओडीआई 1900 का स्ट्राइक रेट बहुत है, देख रहे हो? अरे अभी ये, हाँ यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। अच्छा ओडीआई नहीं है भाई, अच्छा दो T20 है, मतलब बता इंडिया का स्कोर कितना होने वाला है, एवरेज स्कोर, एक एवरेज पर्सन स्कोर इंडिया में कितना? 320 के लिए ओपनर का 100 का स्ट्राइक रेट 70 यार्ड मैक्सिमम है इंडिया में बाउंड्री। कैलकुलेट करो, एक मिनट थोड़ा कैलकुलेशन कर लो, 320 और 350 भी ले लिया ना, अगर ओपनर ने 130 का स्ट्राइक रेट मारा तब इसका मतलब तुम्हारा जो नंबर 5 का 6 प्लेयर है वो 150 का स्ट्राइक रेट मारेगा, मतलब तू साढ़े का और वो तुम्हारा टोटल 380 तक जाएगा। सोचो क्या हो रहा है, रोहित शर्मा यही होगा सैवियो, यही होगा सैवियो, दो प्लेयर चाहिए और सुन स्टार्टिंग में लोग पावर प्ले में खेलेंगे, वही टाइम है रन बनाने का और आखिरी का ही टाइम है रन बनाने का, बीच में रन नहीं बनते ओडीआई में। 130 का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा होता है, कौन सा प्लेयर हैज टू, दिस इज क्रिकेट टुडे, नेम वन प्लेयर जो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस, ये 5 छक्के पड़ते हैं आजकल जीतने के लिए मैच को, वो लास्ट का पार्ट है, एक प्लेयर बता जो 130 का स्ट्राइक रेट पे ये एक साल में खेला है, ओपनर आईपीएल में मैं तेरे को 15 प्लेयर बताऊंगा ओपनर जो आईपीएल आईपीएल में ओडीआई से क्यों कनेक्ट कर रहा है भाई, तुम देखना क्योंकि होगा ये इस बार आईपीएल में इन्फ्लुएंस तो है यार, टी ओडीआई में टी20 का इन्फ्लुएंस देख, 130 सैवियो सुन 130 तू समझ रहे 110 प्लस 130 व्हेन यू आर प्लेइंग, तू 60-70 बॉल खेला है तो मेरे को तू 130 में आई एम एक्सपेक्टिंग, बट 100 प्लस तो रहना ही चाहिए for someone who will play in the power play. What is 40 runs of 30 balls? What strike rate is that? 133. Itna nahi expect kar raha tu Rohit Sharma se as an opener in power play. Strike rate ke bare mein tumhe tension hi kyun le raha hai? Agar Rohit Sharma 100 ball khelega, hai kyunki tension bhai, mere ko uski tension hai kyunki wo 100% pura game khelte hai yaar wo log. It's not natural to him to for him to go from ball one. Rohit is a fuck all player now, no doubt. But Rohit has never slowed down. I have never seen him playing slow. Itne saal in which he was being fuck all throughout. Usse ek England ke against usne wo fuck all knock kiya T20 semi-final mein last year. But uske baad wo ye Test Championship mein bhi fast kar raha tha. Dekho agar Rohit se 130 ka strike rate chahiye, wo aaram se dekho har ek game. Chal, I can bet on this. Even if Rohit doesn't score 400, he scores 200. The strike rate will be better than 110. That's not the point. No, both should be there. Na, aisa thodi hai. Main tumhe Ritman Shah ko khila do. Rohit Sharma 100 ka strike rate.
अगर रोहित नारायण से ओपन करो ना, वो तो 180 का देगा स्ट्राइक रेट मेरे को 200 पे। 200 मारे रोहित, 400 मारे रोहित, 600 मारे रोहित का स्ट्राइक रेट अच्छा ही रहने वाला है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स यार, इट्स एंड आई डू नॉट रिक्वायर रोहित शर्मा की 100, आई रिक्वायर 70 80 रन्स ऑफ हिम और 40 50 बॉल्स। दैट इज द रोल ऑफ एन ओपनर टुडे। इफ यू डोंट सी नाउ यू आर थिंकिंग ऑफ, नाउ यू आर थिंकिंग ऑफ विद टी20। सो यस जी रेंजर बराबर बोल 40 बॉल में 80 रन इम्पैक्टफुल इनिंग है या नहीं है ये तुम कभी कभी किसी का 50 तुमको ये लगता है कि नहीं ये खराब है, जैसा वर्ल्ड वो जो हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट विराट कोहली का जो 50 था वो 40 बॉल में 50 आया था, दैट इज नॉट हेल्पफुल फॉर योर टीम। और किसी किसी का कभी 30 रन भी, जैसा वो वही रोहित शर्मा ने 16 बॉल की, दोनों चीजें जरूरी है यार, और ओपनर के लिए तो स्ट्राइक रेट बहुत जरूरी है। तू ये एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम गिल एज वेल, 60 बॉल 80 ऑब्वियसली सिंपल, गिल तो करेगा ये चीज 100% करेगा वो। ये गेल भी बहुत स्लो खेलता है भाई स्टार्ट में। अरे भाई तो देख, अरे भाई क्योंकि गेल अभी अभी डेवलपमेंट स्टेज पे था वो, नाउ ही इज रीचिंग अ पीक ऑफ हिज डेवलपमेंट नाउ। 3 महीने पहले और गेल और रोहित शर्मा में बहुत बड़ा प्लेयर ऐसे ही बढ़ते भाई। तूने उसका आईपीएल तूने देखा, पिछले 3 आईपीएल देख तू उसके, कोलकाता नाइट राइडर्स का लास्ट सीजन देख तू उसका, गुजरात टाइटंस का फर्स्ट सीजन, दोनों में क्या चेंज था, और इस सीजन उसने क्या ऐड किया है अपने गेम में। गेल इज एडिंग टू हिज गेम एवरी टाइम। और सेकेंडली ये नहीं है यार, मैं ये बोलता हूँ गिल इस एरा में पैदा हुआ है यार, वो इस एरा में खेलना सीखा है। you're saying on the basis of your analogy ना, तू बोल रहा है कि तुझे लग रहा है वो मारेगा। ऋतुराज गायकवाड़ 2020 के आईपीएल में ऑरेंज कैप विनर था, और अभी तक वो प्रॉपरली टीम इंडिया में इंटीग्रेट नहीं हुआ है। आया वो इंजर्ड हो गया, इंजर्ड हुआ वो, आया वो परफॉर्म किया फेल हुआ, वापस इंजर्ड हुआ, तो वो इंजर्ड होते आया है। सैमसन नहीं कर रहा था केस है मतलब, लेकिन उसको जितना चांस दिया उसने अच्छा अपॉर्चुनिटी लिया नहीं हाथ में। याद है युवराज सिंह जब आया था टेस्ट मैच में, रोहित शर्मा को कितनी अपॉर्चुनिटीज मिली स्टार्टिंग में, जब उसके बाद उसने मारना चालू किया। वही रोहित शर्मा का छोड़ दे, युवराज सिंह ने डेब्यू युवराज सिंह ने मारा, रायना ने भी, बेसिकली ये सब प्लेयर ऐसा रहा, जब दिया ना चांस तो ले लो, फिर बाद में तुमको सहवाग में तो नहीं लिया ना चांस, स्टार्टिंग में आया था वो। सहवाग में नहीं लिया, तभी इंडिया का टॉप ऑर्डर बट फिक्स था, और 2 3 4 5 सहवाग के लिए पास जगह नहीं था। हैपेंस ना, इट हैपेंस, फेलियर्स हैपन, यू हैव टू गिव, यू हैव टू चूज योर प्लेयर्स एंड बैक देम। मतलब यार, और मैं ये बिलीव करता हूँ भाई, फॉर्म सबसे बड़ी चीज होती है क्रिकेट में, मतलब फॉर्म के प्लेयर्स को खिलाना चाहिए आपको। क्लोजिंग वन बाय वन, एक लास्ट चेंज, एक वन चेंज जो तुम लोग को लगता है इंडियन क्रिकेट में होना चाहिए, एक सिंपल वन लाइन। गुंडा चाहिए जैसा कोच बोला, एक एक क्लियर, आई डोंट नो हु दैट पर्सन कैन बी कैप्टन, वन गाय हु हैज अ क्रिकेटिंग फिलॉसफी व्हिच ट्रिकल्स डाउन एवरीवेयर इन द कंट्री। या ओके, और विकास का सेम। हां मेरे को भी कोच मतलब मुझे एक ये चाहिए, एक अथॉरिटी चाहिए। ओके अभिषेक तेरा। आई थिंक ओनरशिप, मतलब आई वांट देम टू कम अपफ्रंटली एंड से फ्यू थिंग्स, लाइक व्हाटएवर आई हर्ड फ्रॉम रोहित शर्मा से, he was just like ye nahi mila 25 din mein mila match ke baad, haarne ke baad, match ke pehle bhi press conference hua rahega, usne kuch nahi bola. basically how do you measure that, to kuch accountability honi chahiye us cheez ki, kuch mechanism hona chahiye accountability ka, resign do, pata hi nahi chalta hai ki jo decisions liye gaye hai wo kis liye liye gaye hai basically, chhod do khelne aur kisne, ha main wahi isi pe aa raha hu aage, aur usko ensure karne ke liye, kyunki ye kabhi nahi ho sakta, like it's such a closed organization. And why would anybody, they're so cozy and making money, and it would be a, I don't know, fan committee or something, that you know, that they should also have a voice. At least wo andar system mein honge jo wo sawal utha sakte hain. Rahul Dravid was interviewed after the game in Strasbourg, and he was asked some tough questions by Harbhajan Singh Saurav Ganguly. Yes, there were some tough questions put. Yeah, there is, and Saurav Ganguly hired him as finally. इस बार फैंस फैंस हैव गिवन अप, कोई ट्रोलिंग नहीं हो रही, कुछ उत्ता नहीं हो रहा, पर इस बार एक्स कमेंटेटर्स एक्स प्लेयर्स फाइनली कुछ सवाल पूछेंगे। संजय गुप्ता इज द हेड ऑफ स्टार स्पोर्ट्स व्हाटएवर, ही इज कोटेड एज सेइंग इंडियंस डोंट वॉच क्रिकेट, इंडियंस वॉच इंडियन क्रिकेटर्स। सो दैट्स ट्रू,
That's true. I think we'll end with that. Thanks for coming. Big call, big chat. So see you all next time. Hope we've given you some content.